नाजी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। रेहान, आपको जो भी बात करनी है आप आयमा बाजी से करें या बाबा से करें, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। नाजी, क्या बात करूं मैं उससे, वो तो शादी को मानने को तैयार नहीं है। और मोहसिन, उसने तो जैसे दुश्मनी बांध ली है मुझसे। लेकिन सब लोग एक तरफ नाजी, लेकिन कम से कम तुम तो जानती हो मुझे, मैंने सच्चे दिल के साथ तुमसे मोहब्बत की है, एक रिश्ता कायम किया है, ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूं मैं इसको? कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना ये कि आसानी के साथ खत्म कर दिया जाए। सच्चाई का रिश्ता कायम नहीं किया आपने, सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाजी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज घर आ जाओ वापस। एक बात कहूं ना सर, घर की वैल्यू छोटे और बड़े से नहीं लगाई जाती है, घर की वैल्यू बनती है घर के रहने वालों से। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े घर में छोटे छोटे लोगों को और छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े लोगों को रहते हुए देखा है। नूर के साथ गुजरी हुई जिंदगी कितनी तलख है, इसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता, क्योंकि एक कामयाब बिजनेसमैन हूं मैं, इसलिए लोग मुझे बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझते हैं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन शायद मैं अपनी नजरों में सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान हूं। जिंदगी की सच्ची खुशियों से महरूम एक तन्हा इंसान। नहीं नाजी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी है, वो बहुत तंगदिल और बदमिजाज औरत है। अरे मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई है उसने, नफ्सियाती मरीज है वो, इलाज की जरूरत है उसे। एक सेकंड, कोई भी औरत होगी और वो अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसको बुरा ही लगेगा। नहीं नाजी, ये सिर्फ वो औरतें होती हैं जो बहुत तंगदिल और बेवकूफ होती हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किधर जाऊं, किससे पूछूं, फाखिर या रेहान? लेकिन मेरा दिल तो अब भी फाखिर फाखिर कह रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं अब भी उस रेहान की बीवी, क्या करूं या अल्लाह, मेरी मदद कर। बाबा, मुझे आपसे मिलना है।